हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 4, जो कि होगा बेटा थर्मोडायनेमिक्स। कुछ दिनों के बाद पेपर है एंड मैंने बहुत बच्चों से प्रॉमिस करा था कि भैया एग्जाम से पहले थोड़ा बहुत और मैं आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से क्या हो जाओ, एग्जाम में पास हो जाओ। तो भैया मैं हो गया हाजिर। ठीक है, चलिए अब आप क्या कीजिए बेटा, फटाफट अपना नाम कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले ना कि कौन कौन हमारे क्लास को अटेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। देखो बेटा, इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान करे। जो आपने क्लास 11-12 में पढ़ा था, समझ लो मेरे प्यारे बच्चों कि वही चीजों को हमें यहां पर क्या करना है, रिवाइज करना है। तो मैं आपको प्रॉपर नोट्स यहां पर बनवा दूंगा। ठीक है, आपको जो जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसका आप नोट्स बनाना और बढ़िया आराम से एग्जाम में लिख कर आना। अगर एक दो क्वेश्चन भी लड़ता है यार, 5-6-7 नंबर में मिल जाते तो बहुत है अपन को ना। ज्यादा स्टार नहीं बनना, अरे 60 नंबर लाना अपन, बस अच्छे से पास हो जाए, है ना। ज्यादा ग्रेड भी खराब ना, अपन क्या हो जाए बेटा, अच्छे से पास हो जाए। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसके बुक पे भी मैं काम कर रहा हूं। देखो अब तक मैं क्या कर रहा था मेरे प्यारे बच्चों, अब तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था कि भैया ये आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में क्या दूंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। और वो सॉल्यूशन भी कैसा होगा बेटा, वो सॉल्यूशन होगा पॉइंट वाइज। वो सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा, वो सॉल्यूशन होगा आपका पॉइंट वाइज। मतलब जैसा आंसर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे लिखे, वैसे ही आंसर मेरे बच्चे लिखेंगे। एंड पता, जब अपन पॉइंट वाइज लिखते हैं ना, तो आप देखोगे कि आपके रिजल्ट में भी क्या होता है बेटा, कम से कम 5-10% का क्या होता है, अंतर होता है। और ये पता है कैसा बुक होने वाला, अगर मान लो कि कोई न्यूमेरिकल है, तो अभी तक के बुक में क्या होता है, कोई न्यूमेरिकल होता है उसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ रहता है। लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तो हमारे बुक में पता क्या होगा बेटा, हमारे बुक में होगा आपका न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल के नीचे होगा क्यूआर कोड। न्यूमेरिकल के नीचे क्या होगा, क्यूआर कोड। कि अगर किसी बच्चों को इस न्यूमेरिकल को समझना है तो वो क्या करेगा, क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और वो सीधे कहां पहुंच जाएगा, सीधे पहुंच जाएगा यूट्यूब पे, और इस क्वेश्चन का जो न्यूमेरिकल उसका सॉल्यूशन उसे यूट्यूब पे मिल जाएगा। बुक का कॉस्ट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम अगर 50 या 60 या 70 ऐसे कुछ कॉस्ट होगा। मतलब जितना मुझे कॉस्ट आएगा उसे बनाने में, वही क्या होगा फाइनल प्राइस होगा। मतलब प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट हमारा होने वाला है 0। ठीक है ना। मतलब मैं चाहता हूं यार कि बच्चे आंसर्स को प्रॉपर लिखें, क्योंकि जब आप आंसर्स को प्रॉपर लिखोगे ना, तो वहां पर क्या होता है, अपन को नंबर बढ़ते हैं बेटा। क्योंकि जो भी नॉलेज है हमारा, हमको तो लिख के ही दिखाना है ना। तो अगर हम लोग अच्छे से लिखेंगे तो फिर हमें नंबर भी अच्छा मिलेगा। बहुत ऐसे बच्चे को मैंने देखा, नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो जब वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाता तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि मार्क्स उसके कम आते हैं। तो अभी बुक अंडर प्रोसेस है ना, अगले सेमेस्टर में भैया आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो इस सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यार काम तो अच्छा कर रहे हैं, मजा आ रहा मुझे काम करने में। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या स्टार्ट करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक क्या होगा थर्मोडायनेमिक्स का, ये होगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखो बेटा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मानकर चलो मैं एज अ टीचर, मैं टीचर हूं, मैं क्या हूं बेटा, टीचर हूं। अगर मुझे अपना सिस्टम दिखाना हुआ कि भाई मेरा सिस्टम, तो मैं क्या, मैं अपने फ्लैट में लेकर आऊंगा। ठीक, मेरे फ्लैट में एक रूम है, मेरे फ्लैट में क्या है बेटा, मेरे फ्लैट में एक रूम है जहां पर ये आपका डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। सामने क्या है बेटा, टेबल है, सामने क्या है बेटा, टेबल है, और उसमें क्या है, मोबाइल फोन लगा हुआ है। तो ये जो वातावरण है जहां पर मैं काम कर रहा हूं, वो क्या है बेटा, वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो मेरे लिए मेरा सिस्टम कहलाएगा जहां पर मैं काम कर रहा हूं। जैसे आप अभी कहीं पर बैठे होगे, आप जरूर कहीं ना कहीं बैठे हुए होगे टेबल पे। अभी फिलहाल जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो आप किसी टेबल में बैठे होगे, बढ़िया सामने मोबाइल होगा, आप मोबाइल को देख रहे होगे और आपके पास एक कॉपी होगी। तो ये आपका सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका सिस्टम हो गया। जब दुकानदार किसको कोई सामान बेचना होता, वो दुकान में सारे सामान को रखता है
और वहीं से वो सेल करता, तो वो क्या हो गया, वो दुकानदार का सिस्टम हो गया। वो किसका सिस्टम हो गया बेटा, वो दुकानदार का सिस्टम हो गया। उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर भी थर्मोडायनेमिक्स का काम होता है, जैसे कि हम लोग स्टडी करते हैं, जहां पर किसको स्टडी करते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स को। मान लो कि एक बॉयलर है, मान लो क्या है बेटा, एक बॉयलर है, और मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एज ए इंजीनियर इस बॉयलर को स्टडी कर रहा हूं। बॉयलर में क्या होता है बेटा, स्टीम जनरेट होता है। तो ये जो बॉयलर है और इसके आसपास जो चीज है बेटा, जो सराउंडिंग है, जो सराउंडिंग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। कि जहां जिस वर्क पे हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, मतलब जिस स्पेस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए मैं गैस स्टोव के पास जाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा, उसे लाइटर से ऑन करूंगा, वहां पे चाय खोलेगा, तो जहां पर चाय बन रहा है, ठीक है, उस जगह को, उस वातावरण को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वातावरण को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, चलिए भैया, अभी तो एक रील्स भी वायरल होता था ना, सिस्टम फाड़ देंगे। चलो भैया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम अगर आपको आया ना आया हो, तीन चीजें हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको आएगा, मानकर चलो एग्जाम में आने के चांसेस भी, और आए चाहे नहीं आए बेटा, एज अ नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जब आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम को पढ़ोगे ना, आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक मिलेगा सिस्टम, जहां पर काम हो रहा, दूसरा होता है सराउंडिंग, उसके वातावरण, सॉरी उसके वातावरण को बोलते हैं सराउंडिंग, और तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा ना बेटा, वो मिलेगा बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री मेरे प्यारे बच्चों सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। बाउंड्री क्या होता है बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। बोलोगे सर क्या क्या बक रहे हो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल रहे हो, फिर आप ओपन क्लोज्ड बोल रहे हो, फिर आप पता नहीं क्या क्या सराउंडिंग बोल रहे हो, क्या क्या सिस्टम बोल रहे हो, और हमें समझ में सर नहीं आ रहा, इतने समझदार हम नहीं है। यही बोलोगे आप, समझदार हम नहीं है सर। चलो यार, ठंड का दिन है, क्या है बेटा, ठंड का दिन है, और हम लोग क्या 10-12 दिन में एक बार नहाते हैं, और कुछ लोग तो एक एक महीने नहीं नहाते, लेकिन कभी ना कभी तो नहाते ही हैं। तो अभी नहाने का प्रोसेस हमारा क्या है, ये बताओ आप, नहाने का प्रोसेस अभी हमारा क्या है। हम लोग सबसे पहले एक पतीला लेते हैं, टडन टडन, और पतीले में सबसे पहले पानी गर्म करते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कमेंट करेंगे, सर हमारे घर में गीजर है, भैया उस वीडियो को छोड़ दो आप। अरे मजाक कर रहा हूं भाई, अच्छे अच्छे बच्चे, चलिए ठीक है बेटा। हम लोग क्या करते हैं, इसे गर्म करते हैं, नीचे से इसको क्या दे रहे हैं बेटा, नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, गैस स्टोव पे ये चढ़ा हुआ, पानी क्या हो रहा बेटा, पानी कुछ देर के बाद पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब पानी बॉईल होना स्टार्ट होगा, तो आपको दिखेगा कि कुछ भेपर ऊपर की तरफ उड़ रहा है, भाप है ना, ये क्या है बेटा, भेपर, ये क्या है आपका, अरे भैया लिखा जाओ भाई, ये क्या है बेटे प्यारे बच्चों, लिखा जाओ भाई, तब तो बच्चों को बताऊंगा, भेपर है ना, मतलब भाप बन के कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ उड़ता हुआ दिखेगा। तो ये जो भेपर होता है ना बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मास। मतलब यहां से जो ऊपर की तरफ जा रहा है भेपर, उसमें क्या है बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो एक तरह का क्या है बेटा, मास है। तो जब हम पानी को गर्म कर रहे थे, तो यहां से मास क्या है बेटा, बाहर निकल रहा है, मतलब पानी खोलकर भाप के रूप में क्या हो रहा है बेटा, वो बाहर निकल रहा है। ठीक, अगर आसपास को हम देखते हैं, जैसे कि यहां पर पानी गर्म हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा, पानी गर्म हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम। ठीक, और ये जो आसपास का जो माहौल है ना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग। क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। और ये जो पतीला है ना बेटा, ये जो आपका पतीला है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाउंड्री। ये क्या कहलाएगा बेटा, बाउंड्री कहलाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, जब आप किसी सिस्टम को देखते हो, बात समझिएगा बेटा, चलिए मजाक से हटके, जब आप किसी सिस्टम को देखते हो और सिस्टम में आप ये ऑब्जर्व करते हो कि सिस्टम से मास बाहर आ रहा है, सिस्टम से क्या बाहर आ रहा है, मास। क्योंकि देखो, जब वेपर आपका निकल रहा है बेटा, वेपर एक तरह का क्या है, मास है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है बेटा, पानी है, वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो है जो वेपर बन के ऊपर उड़ रहा है। तो जब आप किसी सिस्टम को देखोगे
और देखने से आपको यह पता चलेगा कि उस सिस्टम से मास बाहर आ रहा है, ठीक है बेटा। और देखो आसपास में आप देखोगे तो हीट भी होगा, ऐसा नहीं है, इधर भी हीट आपको देखने को मिलेगा, इधर भी आपको हीट देखने को मिलेगा, मतलब जब पानी गर्म होता है तो आप ये महसूस करोगे कि आसपास से क्या निकल रहा होता है, हीट भी निकल रहा होता है सब तरफ से, नीचे से भी निकलता है, इधर से भी हीट निकलेगा, है ना, इधर से भी हीट निकलेगा। तो आप ये महसूस कर रहे हो बेटा कि मास तो निकल ही रहा है, साथ ही साथ क्या निकल रहा है बेटा, आपका हीट भी निकल रहा है, साथ ही साथ क्या निकल रहा है बेटा, हीट भी निकल रहा है। फिर से मैं एक बार आपको समझाना चाहूंगा बेटा, मान लो कि मुझे चाय बनाना है, मैं चाय बना रहा हूं, बात समझो बेटा, ठीक है, यहां पर मैं क्या बना रहा हूं, चाय बना रहा हूं। तो आप देख रहे हो जब चाय बनता है ऊपर क्या निकलता है बेटा, वेपर निकल रहा है, तो वेपर एक्चुअली में क्या है, वेपर एक्चुअली में क्या है, मास है। और जब आप चाय बना रहे होते हो ना, तो आप देखना कि जो पतीला है ये तो गर्म होगा ही, ये बाउंड्री तो गर्म होता ही है, और बाउंड्री के आसपास आपको महसूस होगा कि हीट बाहर निकल रहा है, आसपास आपको महसूस हो रहा होगा कि हीट भी बाहर निकल रहा है। तो जब किसी सिस्टम में, जब किसी सिस्टम में मास भी बाहर निकलता है, ठीक है, और आपका हीट भी बाहर निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, मास भी बाहर निकलता है और हीट भी बाहर निकलता है, तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, ओपन सिस्टम कहते हैं, एक ऐसा सिस्टम ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जहां पर मास भी बाहर आ रहा है और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों हीट भी बाहर आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ओपन सिस्टम हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे ही हमारी मम्मी देखेगी कि पानी गर्म हो रहा है, जैसे ही मम्मी देखेगी कि पानी गर्म हो रहा है, मम्मी क्या करेगी, फटाक से पतीला लाके ऊपर ढक देगी। मम्मी के अनुसार ये कहना है कि बेटा अगर पतीला रखकर आप क्या करोगे, गर्म करोगे पानी को, तो वो बहुत जल्दी गर्म होगा। तो जब मम्मी पतीला रख देगी तो ये जो मास जो बाहर निकल रहा वो निकलना क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। मास जो बाहर निकल रहा वो निकलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे मान लो कि जब मम्मी चाय बना रही है तो मम्मी ने क्या किया, इस पतीलों को ऐसे ढक दिया, तो जब मम्मी पतीले को ढक देगी तो ये जो वेपर निकल रहा था ना बाहर, वो क्या हो जाएगा बेटा, निकलना बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप ये जरूर देखोगे कि ये पतीला गर्म हो जाएगा और यहां से हीट जरूर निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा बेटा, हीट जरूर निकलेगा। मतलब मम्मी ने मास तो बंद कर दिया, मम्मी ने मास का निकलना क्या किया बेटा, मास का निकलना बंद कर दिया कि भैया मास तुम बाहर मत जाओ, मास बाहर मत निकलो, लेकिन हीट बाहर निकल रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। तो जब आप ऐसे सिस्टम को देखोगे मेरा प्यारा बच्चा, जहां पर आप देख सकते हो कि मास नहीं निकल रहा, सिर्फ क्या निकल रहा है, हीट निकल रहा है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, अगर आप किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को स्टडी करते हो और आपको देखने पे ये लगता है कि इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम से मास भी बाहर निकल रहा है, हीट भी बाहर निकल रहा है, तो वैसे सिस्टम को आप ओपन सिस्टम बोलोगे, बोलोगे यस सर यहां तक हमें समझ में आया, ठीक है। जैसे मम्मी ने देखा पतीला ढक दिया, तो वहां पर क्या कि जो वेपर बाहर निकल रहा था अब वो बाहर नहीं निकलेगा, वो सिस्टम के अंदर ही रह जाएगा, वो सिस्टम के अंदर ही रह जाएगा। तो जब पतीला रखने के बाद हम स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो हमें दिखेगा कि नहीं मास तो बाहर नहीं निकल रहा, पानी का वेपर वो बाहर नहीं निकल रहा, हाँ लेकिन हीट जरूर बाहर निकल रहा है, हीट जरूर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो जब आपका मास नहीं निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ हीट बाहर निकलेगा, तो वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, वैसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो ओपन हो गया, क्लोज्ड हो गया। कभी कभी आपने देखा होगा बेटा, मैं भी वैसा करता था, कि अब क्या आता है, एक थर्मस आता है, बहुत प्यारा सा, महंगा होता है थोड़ा सा, उसमें उस थर्मस में बोलता है कि अगर आप चाय डाल दो तो चाय क्या 24 घंटे गर्म ही गर्म रहेगा, मजे ही मजे रहेंगे चाय अगर उसमें डाल दिए तो, आप है ना, मतलब ये नॉर्मल बॉटल नहीं होता है ना, उसमें क्या होगा, पानी पी लेता हूं सॉरी वो नॉर्मल बॉटल नहीं होता, उसमें क्या है कि अगर आप चाय को रख के बंद कर दो तो चाय क्या 5-6 घंटे तक गर्म रहता है, ठीक। अगर आप ठंडा पानी डाल दो,
है ना, तो ठंडा पानी भी डाल दोगे तो भी बेटा वो क्या है 5-6 घंटे तक ठंडा ही रहेगा। तो एक ऐसा सिस्टम वहां पे बना है ना, एक ऐसा सिस्टम उस बॉटल में बनाकर दिया जा रहा है जहां से ना मास निकलता है ना हीट निकलता है, ना मास निकलता है ना हीट निकलता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास भी ना निकले और आपका हीट भी बाहर ना निकले। तो वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे बचपन में हम लोग पता क्या सोचते थे, बचपन में ये सोचते थे कि जब हम लोग स्वेटर पहन लेते हैं तो गर्मी आ जाती है। एक्चुअली में पता स्वेटर का काम क्या है, स्वेटर का काम है जो हमारी बॉडी का जो हीट है ना उसको वो बाहर ना निकलने दे, हमारे बॉडी को हीट को वो अंदर ही रखे ताकि हमारा बदन क्या रहे, गर्म रहे, है ना। हम लोग सोचते थे अरे यार स्वेटर पहन लिया इसमें लगता है कुछ लगा हुआ होगा तो हमें गर्म कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं, वो हमारे जो शरीर की गर्मी है ना उसको बाहर निकलने नहीं देता था, ठीक है। चलिए बेटा, तो तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, पहला ओपन जिसमें आपका मास भी बाहर निकलता है और आपका हीट भी बाहर निकलता है, दूसरा होता है बेटा क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है बेटा, मास निकलना बंद हो जाता है लेकिन हीट जरूर निकलता है। मैं ऐसे ही पढ़ता था भाई, मैं इतना रट्टा नहीं मारता था, मैं ऐसे ही पढ़ के जाता था वहां पे एग्जाम में, अपने लैंग्वेज में लिख देता था, खत्म बात, समझ के पढ़ो, ठीक है। और तीसरा क्या होता है बेटा, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड में क्या होता है, ना मास निकलता है ना आपका हीट निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, ना मास निकले ना आपका हीट निकले, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये तो बात हो गई आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, ठीक है। अब मैं दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बेटा उसको यहां पे डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताने वाला हूं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको समझा देता हूं, बाकी और भी है उसको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है बेटा। देखो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में एक होता है एक्सटेंसिव, एक क्या होता है बेटा एक्सटेंसिव होता है, और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों इंटेंसिव, इंटेंसिव। देखो बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों मास पे, क्वांटिटी पे, इस पे क्या करता है बेटा वो डिपेंड करता है, मतलब ऐसी क्वांटिटी ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, जो डिपेंड कर रहा है आपके मास पे और क्वांटिटी पे, मतलब अगर मास हटा भी दो तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, जो डिपेंड करता है किस पे बेटा, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है बेटा जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वांटिटी आपका कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा, अगर किसी की क्वांटिटी ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी, फिर से मेरी बात को आप समझिएगा, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे पैसे होते हैं ना, ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो ज्यादा खुशी होगी, कम क्वांटिटी में होगी तो कम खुशी होगी। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी मेरे प्यारे बच्चों जो किस पे डिपेंड करता है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया मास, वॉल्यूम, और भी है मैंने वहां पर लिखवा दिया, अभी आपको मैं नोट्स बनवा दूंगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी का। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी डू नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि प्रेशर हो गया, ठीक है, डेंसिटी हो गया। देखो अगर छोटा ऑब्जेक्ट लोगे, है ना, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास क्या एक बॉल है बहुत बड़ा, अंदर से ये फिलअप है, ठीक। अगर आप इसका एक टुकड़ा काट देते हो, एक छोटा सा भी ले लेते हो, इसका एक छोटा हिस्सा ले लेते हो, तो भी उसका डेंसिटी क्या होगा बेटा, सेम ही होगा। तो भी डेंसिटी क्या होगा बेटा, सेम ही होगा, क्योंकि वो क्या है, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आप फिर से समझना बेटा, जैसे ये केक है, ठीक, ये क्या है बेटा आपका केक है, ठीक। इसका जो डेंसिटी होगा, अगर आप इस केक का एक टुकड़ा ले लो, ठीक, खाने के लिए, तो इसका भी जो डेंसिटी होगा ना बेटा, वो भी क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि ये इसी केक से निकला है,
ठीक है, देखो बड़े वाले केक का भी डेंसिटी वही है और छोटे वाले केक का भी डेंसिटी क्या है बेटा, वही है, क्योंकि वो बड़े वाले केक से ही तो निकला है ना। जो डेंसिटी आपके बड़े केक का होगा वही डेंसिटी आपके छोटे केक का भी मेरे प्यारे बच्चों होगा, ठीक है ना। चलिए तो ज्यादा बातों को तोल मोड़ नहीं करते हैं, सीधी सी मैं आपको बात बताता हूं। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपके क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा तो अब आप लिखने के लिए क्या हो जाइए, तैयार। क्या हो जाइए, तैयार हो जाइए। सबसे पहले आप ये लिखिए हमारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम ओपन सिस्टम, फिगर बनाना एग्जाम में। देखो हीट भी निकल रहा है और मैटर मतलब मास भी आपका निकल रहा है, ठीक है ना। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप यहां पर आइए, देखिए क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देखो क्लोज सिस्टम में सिर्फ हीट निकल रहा है, मास बाहर नहीं निकल रहा, और आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी नहीं निकल रहा है, ठीक है ना। चलो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी में सबसे पहले आप क्या करो, ये वाली प्रॉपर्टी लिखो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। ठीक है बेटा, देखो मैंने समझा दिया ना, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या साइज पे डिपेंड नहीं करता है, है ना, मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसको आप नोट कर लो। चलो उसके बाद ये वाला कर लेना आप, है ना, कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टी है ये, जैसे कि मेजर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम लोग नाप सके, जैसे कि वॉल्यूम टेम्परेचर जिसको हम लोग मेजर कर सके, वो मेजर्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है बेटा, उसको हम लोग फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जैसे कि एंट्रोपी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, ये आपके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसके, थर्मोडायनेमिक्स के। उसके बाद डिराइव प्रॉपर्टी, डिराइव प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, फंडामेंटल प्रॉपर्टी से जो बनता है ना आगे, जैसे कि यहाँ पर फ्री एनर्जी हो गया, गिब्स एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, ये आपकी डिराइव प्रॉपर्टीज में आती है, इनको भी नोट कर लेना, हो सकता है कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देता है, ठीक है ना। चलिए तो आज के क्लास में हमने क्या क्या स्टडी करा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हमने स्टडी करा। और इसके बाद के लेक्चर में जो आपके थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, आपको मैं प्रॉपर नोट्स भी बनवा दूंगा बेटा। देखो न्यूमेरिकल को टच करने से कोई मतलब नहीं, टाइम उतना बचा है नहीं, तो कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा ज्यादा से ज्यादा आपको थ्योरी कवर कर दूं, कि अगर एक दो क्वेश्चन भी लड़ जाए ना अभी के लेक्चर से तो आपका काम बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है भाई, अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक क्वेश्चन आपको लड़ गया 7 मार्क्स का तो कितना मजा आ जाएगा, है ना। तो अपन क्या अभी छोटे में ही खुश रहेंगे, ठीक है ना। चलिए अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।